छात्रों, आज हम कारक के बारे में जानकारी लेंगे। कारक की परिभाषा, उसके भेद एवं उदाहरण हम देखने वाले हैं। कारक की परिभाषा, कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो यहाँ पर देखिए, कारक की परिभाषा हम कर सकते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो देखिए, ये संबंध प्रकट करने के लिए यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं, जैसे ने को से के द्वारा, को के लिए से, काकी के, में, पर, हे, अरे, इनका इस्तेमाल किया जाता है तब कहाँ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ, या तो क्रिया के साथ या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है। तो देखेंगे हम हर एक के बारे में, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये कारक जो 8 भेद हैं तो वह कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं। तो उनकी भूमिका निभाने के आधार पर ही उनके भेद किए गए हैं। तो देखेंगे हम कर्ता कारक। कर्ता कारक जो है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उस रूप को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि मीता ने पढ़ा, तो यहाँ पर देखिए कर्ता कारक का जो रूप है वह ने लगाने से बदल गया, मीता ने पढ़ा। और उससे हमें बोध होता है कि कार्य को करने वाला कौन है, मीता है। तो इस प्रकार से कार्य के करने वाले का बोध हमें इस रूप से होता है, मीता ने इस रूप से, और इसीलिए ये क्या है, कर्ता कारक। आगे देखेंगे हम कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण, कृष्ण ने कंस को मारा। तो देखिए, इससे हमें पता चलता है कंस को, यानी क्रिया के व्यापार का फल जो है, यानी मारने की क्रिया किस पर हुई है, कंस पर हुई है। तो कंस को, यानी उसके आगे को लगाने के बाद हमें यह पता चलता है, कंस को। आगे देखिए करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले साधन का बोध होता है उस रूप को करण कारक कहते हैं। साधन का यानी क्रिया कौन सी किसके द्वारा हो रही है, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर देखिए बाण से, यानी मारने की क्रिया जो है वह बाण से हुई है, इसका पता चलता है। और यहाँ पर बाण के आगे से जोड़ना पड़ता है जिससे करण कारक का बोध होता है। तो आगे है 4 नंबर का प्रकार, संप्रदान कारक। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो जिसके लिए, किसी के लिए कुछ किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो फिर इस और आगे, उसके आगे के लिए को, इस प्रकार के जो हैं चिन्ह आ जाते हैं, विभक्तियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य उदाहरण दिया गया है, यह मिठाई दादी के लिए है, यानी के लिए आगे जुड़ जाता है। तो वहाँ पर के लिए क्या है, फिर यह संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक याद, अपादान आगे का प्रकार है, नंबर 5 का
अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने का ज्ञान होता है उस रूप को अपादान कारक कहते हैं। जैसे संतोष पेड़ से गिर गया, तो देखिए पेड़ से संतोष के अलग होने का यहाँ पर बोध हो रहा है पेड़ से, और इसीलिए पेड़ से क्या है अपादान कारक। अब आगे का प्रकार है नंबर 6 संबंध कारक, तो उसी के नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण है, यह प्रवीण का दफ्तर है। तो देखिए प्रवीण का यह दफ्तर है, यानी प्रवीण और दफ्तर में बीच में का आ गया, और इससे का से इन दोनों के बीच में संबंध जो है वह दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ का चिन्ह जो होता है संबंध कारक का वह का की के होता है। अब नंबर 7 अधिकरण कारक, क्रिया के आधार को प्रकट करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। तो देखिए क्रिया के आधार क्या है, तो इसका जब बोध होता है आश्रय का आधार का क्रिया कहाँ पर हो रही है, तो इसका जब हमें बोध होता है तो वह जो कारक है वह अधिकरण कारक कहलाता है। शिक्षिका कक्षा में है, तो देखिए यहाँ पर कक्षा में यानी कक्षा के अंदर होने का बोध हो रहा है। अंदर या ऊपर का जब ऊपर नीचे इसका जब बोध होता है यानी आधार का कहाँ पर वह है, तो इसका हमें बोध होता है। और यहाँ पर ये चिन्ह में और पर ज़्यादातर ये चिन्ह इसके आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कक्षा में क्या है अधिकरण कारक। अब आखिरी है संबोधन कारक, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, अरे दिनेश तुम आ गए, तो अरे दिनेश क्या है फिर यहाँ संबोधन कारक। तो देखिए कारक के नाम विभक्ति चिन्ह और उदाहरण नीचे कोष्ठक में आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। इन्हें जैसे ही आप याद कर लेंगे तो कारक पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कर्ता कारक है तो वहाँ बीच में क्या आ जाएगा, उस संज्ञा या सर्वनाम के आगे ने जुड़ कर आ जाएगा। अब देखिए ने कभी कभी आएगा भी या कभी कभी नहीं भी आएगा, लेकिन फिर भी जैसे मीता पड़ती है यहाँ पर ने नहीं आया, लेकिन कार्य को करने वाली मीता ही है। तो इस प्रकार से ये जो है, तो यह जो है वह तो कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी होता है। जैसे रवि ने खाना खाया, तो रवि खाना खा रहा है इस प्रकार का वाक्य हम बनाते हैं तो भी वहाँ पर रवि यह है जो वह कर्ता कारक ही कहलाएगा, ने चिन्ह न आने के बाद भी। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कार्य को जो करने वाला है वह कर्ता कारक कहलाता है, चाहे उसके आगे विभक्ति चिन्ह जो है ने आए या न आए। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह को होता है, जैसे रवि ने बच्चे को खाना दिया। तो देखिए खाना देने की क्रिया बच्चे पर हो रही है, बच्चा यह कर्म है और उसके आगे को चिन्ह लग कर आया है, और इसलिए बच्चे को यह क्या है कर्म कारक। अब करण कारक से के द्वारा यह करण कारक कहलाता है, रवि हाथ से खाना खाता है। अब खाना खाने की क्रिया जो है वह हाथ से हो रही है, और इसीलिए यह क्या है करण कारक है। संप्रदान कारक को के लिए यह जो है वह संप्रदान कारक है, रवि के लिए खाना ला दो। तो ये जो है रवि के लिए यानी किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना,
तो और उसके लिए को और के लिए उसके आगे जो चिन्ह आता है विभक्ति चिन्ह, तो वहाँ पर वह संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक यानी अलग होने का बोध जब होता है तो वहाँ अपादान कारक कहलाता है। जैसे रवि कुर्सी से गिरा, कुर्सी से गिरा यानी कुर्सी से वह अलग हो गया, जमीन पर आ गया, उससे अलग होने की क्रिया का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुर्सी से यह क्या है, अपादान कारक। अब देखिए संबंध कारक का की के, यह संबंध कारक है और यह जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, क्रिया के साथ या तो संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है, तो वह जो है रवि की कुर्सी यहाँ है। यहाँ देखिए चीज़ के साथ यानी कुर्सी के साथ संबंध दर्शाया गया है रवि की के द्वारा, और इसीलिए रवि की क्या है, संबंध कारक। अधिकरण कारक में क्रिया के आधार का बोध होता है, तो जैसे यहाँ पर चिन्ह विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर, रवि कुर्सी पर बैठा है, तो बैठने की क्रिया का आधार क्या है, आश्रय क्या है, इसका बोध हमें यहाँ पर हो रहा है कुर्सी पर, और इसीलिए कुर्सी पर क्या है, अधिकरण कारक। आगे आखिरी है संबोधन कारक, यहाँ पर हे और अरे यह विभक्ति चिन्ह होता है, अरे रवि कहाँ जाते हो, तो ये इसमें पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये जो है वह क्या कहलाते हैं, संबोधन कारक। तो इस प्रकार से देखिए और भी हम कुछ उदाहरण देख लेकर इसके बारे में और जानकारी लेंगे ताकि आपकी और अच्छी समझ में आ जाए। ये कारक चिन्ह जो हैं ये आपको याद कर लेने हैं, विभक्ति चिन्ह, और इससे फिर कर्ता के आगे ने, कर्म के आगे को, करण कारक है तो से, संप्रदान कारक है तो को और के लिए, और आगे भी दिया गया है उसके लिए लक्षण क्या है, तो इनके जरिए भी आप इन कारक को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखेंगे हम फिर से क्या है परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। तो देखिए इन कारकों को अगर हम बीच में से निकाल देते हैं तो अर्थ का बोध नहीं होता है, और अर्थ के वाक्य का अर्थ बोध नहीं होता है, और वाक्य के अर्थ बोध के लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल, उचित जगह उचित कारक चिन्ह का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। तो देखेंगे हम कारक और विभक्ति, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा या तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। कारक के भेद, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारकों के नाम, विभक्तियां, लक्षण तथा उदाहरण देखिए। तो कर्ता कारक की विभक्ति है ने, और उसका लक्षण है क्रिया को करने वाला। उदाहरण देखिए, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर देखिए सुरेश ने, सुरेश के आगे ने जुड़कर आया है और वह कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, पिता ने पुत्र को बुलाया, तो यहाँ पर देखिए जिस पर क्रिया का प्रभाव यानी बुलाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुत्र पर। पिता बुलाने वाला है लेकिन किसे बुलाने वाला है, पुत्र को। तो फिर इस प्रकार से यह जो है पुत्र को से हमें कर्म कारक का पता चलता है। करण कारक में क्रिया के साधन के अर्थ में से लग जाता है, यानी क्रिया के साधन का बोध होता है, उसका लक्षण जो है हम आँखों से देखते हैं। अब देखने की क्रिया किससे हो रही है, आँखों से, फिर आँखों से ये क्या है, करण कारक, क्रिया के साधन का बोध।
संप्रदान को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है। हरी मोहन के लिए मिठाई लाया, तो मोहन के लिए यह क्या है? संप्रदान कारक। अब अपादान का चिन्ह है से, किसी वस्तु से अलग होने का भाव। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से यह क्या है यहाँ पर? अपादान कारक। अब संबंध कारक के लिए का, के, को और रा रे री यह चिन्ह होता है। तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, इस प्रकार से अगर आता है तुम्हारा बेटा, तो तुम्हारा बेटा, ये तुम्हारा क्या है फिर? यह संबंध कारक। अन्य शब्द के साथ संबंध का बोध, जैसे यह महेश का घर है, महेश का, यह क्या है यहाँ पर? संबंध कारक। अब आगे देखेंगे हम अधिकरण कारक। में पर क्रिया के आधार के अर्थ में और पर जुड़ जाता है। सिंह वन में रहता है, यानी उसके आधार का, रहने के आधार का, आश्रय का हमें बोध वन में से होता है, और इसीलिए यह क्या है? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, हे, अजी, अरे, तो ये जो है किसी को पुकारने के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। अरे लड़के इधर आओ, तो ये क्या है? संबोधन कारक। तो देखिए ये विभक्ति या नहीं, यानी हे, अजी, अरे, अहो, ये विभक्ति नहीं है, अपितु विस्मयादि बोधक अव्यय है। इनका प्रयोग विभक्तियों के बदले संज्ञा के पहले किया जाता है। तो जैसे पुकारने के लिए इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए ये संबोधन कारक कहलाती है। कारक के 8 भेद होते हैं, ये हमने देखे ही है, कर्ता कारक, उसके और हम उदाहरण देखेंगे, जैसे कि रहमान ने गाय को मारा। अब यहाँ गाय को मारने वाला कर्ता कौन है? कर्ता यानी क्रिया को करने वाला, मारने की क्रिया को, तो रहमान। तो रहमान ने यह क्या है? कर्ता कारक। दूसरा वाक्य देखिए, लक्ष्मी ने चारा खा लिया। अब चारा खाने वाली कौन है यहाँ? यानी चारा खाने की क्रिया को करने वाली कौन है? लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी क्या है? कर्ता कारक। अब कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, इसकी विभक्ति क्या है? को है। आगे हम देखेंगे वाक्य उदाहरण, काकी पुड़िया देखकर प्रसन्न हो गई। अब यहाँ देखिए जिस प्रकार से कर्ता कारक में भी कभी कभी ने आता है, कभी कभी नहीं आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए, काकी पुड़ियों को देखकर प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से भी हम बोल सकते थे इस वाक्य को, लेकिन इस प्रकार से इसे नहीं बोला गया है, इसे कहा गया है काकी पुड़िया देखकर प्रसन्न हो गई। तो यहाँ पर पुड़िया क्या है? कर्म कारक है, और पुड़ियों को देखकर हो जाता था तो भी वह कर्म कारक कहलाता था, लेकिन यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है, यानी पुड़िया के आगे को नहीं आया है। लेकिन आपको समझना है कि प्रसन्न देखकर प्रसन्न होने की ये जो क्रिया है, तो इसके व्यापार का फल जो है वह पुड़ियों पर पड़ता है, और इसलिए पुड़िया यह कर्म कारक है। मानु ने सिरचन को पान दिया। अब देने की क्रिया का फल जो है वह पान पर पड़ रहा है, सॉरी सिरचन पर पड़ रहा है पान देने का, तो सिरचन को यह क्या है? कर्म कारक है। हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया। अब सचिव को यह क्या है? कर्म कारक है। आगे देखिए करण कारक, संज्ञा का जो रूप क्रिया का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। से और कहते हैं उसकी विभक्ति से अथवा द्वारा है, जैसे सिरचन ने कोश से आसनी बनाई। तो सिरचन ने कोश से आसनी बनाई, तो यहाँ पर कुश से जो है, तो आसनी बनाने की जो क्रिया है उसका
जो साधन है यानी किससे वह हो क्रिया हुई है उसका बोध हमें होता है कुश से, और इसीलिए कुश से क्या है करण कर। आगे का वाक्य देखेंगे, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुरियों के रिश्ते जोड़े। तो मालिन से यहाँ पर भी करण कारक का बोध हो रहा है क्रिया के साधन का। हम इम्पाला गाड़ी से मित्र के घर गए। अब मित्र के घर गए लेकिन किससे, तो गाड़ी से, यानी क्रिया के साधन का हमें बोध हो रहा है गाड़ी से के द्वारा, और इसलिए गाड़ी से क्या है करण कारक है। अब संप्रदान कारक यानी किसी के लिए कुछ करना या देना, तो उसके चिन्ह है के लिए और को। यहाँ पर देखिए के लिए और को, यह उसके चिन्ह है के लिए और को। और देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। दूसरा है यानी यहाँ गाय के लिए क्या है संप्रदान कारक, सिरचन ने पानों के लिए एक डिज़ाइन की चीके बनाई, सॉरी नए डिज़ाइन की चीके बनाई। तो के लिए यहाँ पर मानू के लिए क्या है संप्रदान कारक, लाडली काकी के लिए पुड़िया लाई। काकी के लिए यहाँ क्या है संप्रदान कारक। अब अपादान कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है ऐसे होती है, जैसे इंदौर से हम गोवा गए, इंदौर से क्या है फिर अपादान कारक। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, घर से यह क्या है अपादान कारक। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री से क्या है अपादान कारक। तो इस प्रकार से अलग होने की क्रिया का बोध से लगाने से होता है तो वहाँ पर अपादान कारक, और क्रिया के साधन का बोध होता है तो करण कारक। जैसे हमने यहाँ देखा था ये जो है ये से और ये से में अंतर है, यहाँ पर अलग होने का बोध होता है जबकि यहाँ क्रिया के साधन का बोध होता है कि क्रिया किससे हो रही है। तो ये याद रखना दोनों में क्या अंतर है। अब संबंध कारक, तो यहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है, मानू का दूल्हा इधर आ रहा है। अब मानू और उसका दूल्हा, इसमें संबंध है का के द्वारा, और इसीलिए का क्या है संबंध कारक है। लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी थी। अब लक्ष्मी और ज्ञान सिंह की, ज्ञान सिंह में संबंध दर्शाया गया है। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। तो इस प्रकार से जब संबंध दर्शाया जा रहा है काकी के लगाकर या रारी रे लगाकर, तो वह संबंध कारक कहलाता है। आगे देखिए अधिकरण कारक, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अखबार में यह समाचार छपा है, तो समाचार कहाँ है अखबार में, यानी समाचार के आधार का बोध हमें हो रहा है। सिरचन छत पर गया है। अब सिरचन कहाँ गया है, तो छत पर, यानी छत पर के आधार का हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ, तो शहर में, तो इस प्रकार से आधार का आश्रय का बोध हो रहा है। करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। पीठ पर फिर क्या है अधिकरण कारक, तो ये आपको याद रखना, अधिकरण से ही अधिकार यानी आधार आश्रय अधिकार, तो इन बातों से हमें अधिकरण कारक याद रखना है। संबोधन कारक में संबोधित करना, पुकारना, बुलाना, तो जैसे अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, तो यहाँ पर ये जो है तो ये पुकारा गया अरे प्रेमा, तो ये क्या है संबोधन कारक। हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, हे ईश्वर क्या है संबोधन कारक। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह क्या है संबोधन कारक। अब देखिए ये जो है अरे प्रेमा, हे ईश्वर, वाह, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहलाते हैं, लेकिन कब, जब
अव्यय के बारे में पूछा जाए तो, और जब कारक के बारे में पूछा जाए तो इसे आपको क्या कहना है, संबोधन कारक। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब कारक के बारे में सवाल पूछा जाए तो ही इसे संबोधन कारक कहलाएंगे, अन्यथा इसे विस्मयादि बोधक अव्यय आपको कहना पड़ेगा। या विस्मयादि अव्यय के भेद लिखिए, वाक्य देकर अगर आपको पूछा जाए कि इन वाक्यों में आए हुए अव्ययों के भेद बताइए, तो अरे प्रेमा क्या होगा, विस्मयादि बोधक। हे ईश्वर क्या होगा, विस्मयादि बोधक। वाह क्या होगा, विस्मयादि बोधक। लेकिन कारक पूछा जाए तो फिर अरे प्रेमा क्या होगा, संबोधन कारक। हे ईश्वर क्या होगा, संबोधन कारक। वह क्या होगा, संबोधन कारक। इस बात को आपको याद रखना है, और ठीक है, बाकी बातें संबंध बोधक अव्यय जैसे है, संबंध कारक, यहाँ पर संबंध कारक ज्ञान सिंह जो है वह संबंध कारक है, लेकिन वह जो है संबंध कारक में के की और की तरफ की ऐसे उसके आगे अव्यय लगाए जाते हैं, इसीलिए इसमें और इतना उसमें इतना कन्फ्यूजन की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे, इसीलिए आपको ये समझाया गया है। आगे देखिए, आगे आपको स्वाध्याय दिया गया है, उचित कारक लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चे विद्यालय डैश पढ़ रहे हैं, तो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। देहात ने शहर डैश पत्र लिखा, देहात ने शहर के लिए पत्र लिखा। अग्नि डैश प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो देखिए कहाँ पर कौन सा आपको सोचना है जरा, और उसके बाद लिखना है कि कहाँ पर कौन सा जो है कारक चिन्ह लगकर आ सकता है। यहाँ पर देखिए आपको कोष्ठक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके भेद लिखिए, यानी यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं और फिर उनके भेद भी लिखने हैं, खाली वाक्य नहीं बनाने हैं। जैसे कि देखिए, पर यह आया तो मैं कुर्सी पर बैठा, या रमेश कुर्सी पर बैठा, तो पर के नीचे फिर अंडरलाइन करनी है और उसके आगे क्या लिखना है, फिर अधिकरण कारक। अब से का अगर आप करण कारक के रूप में प्रयोग करते हैं तो फिर आपको उस प्रकार से लिखना है, और अपादान कारक में के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका नाम आगे आएगा, जैसे कि राम दिल्ली से आगरा गया, फिर राम दिल्ली से आगरा गया तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। तो ये बात आपको याद रखना, या राम ने कलम से लेख लिखा तो कलम से क्या होगा यहाँ पर, फिर करण कारक। तो इन बातों को आपको याद रखते हुए इन के वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। यहाँ पर देखिए, या ये बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसके बाद देहात ने शहर को पत्र लिखा, अग्नि का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो इस प्रकार से आपको बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई, तो इस प्रकार से कहाँ पर क्या जुड़ सकता है, अच्छे से सोच समझकर आपको यह जवाब लिखने हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कारक पहचानकर भेद सहित लिखिए। अब देखिए यहाँ पर उसे रेखांकित नहीं किया गया है कारकों को, आपको खुद उन्हें पहचानना है। जैसे कि अब यश ने मित्र को, तो फिर यश ने क्या है, यश ने यह कर्ता कारक है, मित्र को क्या है, कर्म कारक है। बच्चे कुत्ते से डरते हैं, कुत्ते से अब क्या है, कुत्ते से यानी
करण कारक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए, बेटे के लिए यानी संप्रदान कारक, पेड़ से फल नीचे गिरा, पेड़ से फिर क्या है अलग होने की क्रिया है तो अपादान कारक है। बच्चों शैतानी मत करो, बच्चों क्या है आपको ढूंढना है, ये खिलौने अंश के हैं, अंश के। फिर कमरे में माँ चारपाई पर फिर कौन सा कारक है, परेशाने। फिर बच्चा छत से, तो ये आपको ढूंढने हैं। वैसे आपको कारक तो मैंने ढूंढ कर दिए हैं, लेकिन उनके प्रकार जो है, भेद जो है, वह आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखिए, आपको और जो कारक जो है वह पहचानने में आसानी हो जाए, इसकी प्रैक्टिस आपके लिए हो जाए, और भी आपको वाक्य दिए गए हैं, तो निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद आपको लिखना है। यानी जैसे कि अब तख्त को अब है, तो फिर आपको तख्त को शब्द जो है इस वाक्य के आगे लिखना है, तख्त को, और फिर उसके आगे आपको लिखना है कि वह कौन सा अव्यय है। तख्त को उधर मोड़ दो, तख्त को यानी फिर यह हो जाएगा कर्म कारक। फिर तख्त को लिखना है इस शब्द को इस वाक्य के आगे, और फिर उसका नाम यानी कारक का नाम कर्म कारक आपको लिख देना है। तो हर एक वाक्य के बारे में ये पूरी तरह से आपको ये कंप्लीट करना है, और जल्दी से जल्दी भेजना है। स्वाध्याय सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी नहीं भेजते हैं, एक दो विद्यार्थी ही मेरे ख्याल से स्वाध्याय को कंप्लीट करते हैं, और अभी हम तुरंत ही टेस्ट लेने वाले हैं व्याकरण पे। अगर आप इन्हें देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, इनका अभ्यास नहीं करेंगे, तो टेस्ट में आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। और कुछ अब मेरे ख्याल से खाली अब वाक्य भेद जो है हमारे बाकी है, बाकी पूरा व्याकरण हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से जल्दी इन सभी जो वीडियोज यूट्यूब पे भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पे भेजे गए हैं, उन्हें देखिए, स्वाध्याय पूर्ण कीजिए, और फिर टेस्ट के लिए जो सवाल आएंगे तो उनके जवाब भी आप ठीक से दे पाएंगे।